हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू होम एसेंशियल्स। आज का वीडियो एक किचन प्रोडक्ट रिव्यू वीडियो है। आप में से जितने भी लोग मुझे फॉलो करते हैं प्रिया व्लॉग्स पे या फिर होम एसेंशियल्स पे, आपने नोट किया होगा कि मैंने काफ़ी टाइम से कुछ ऐसे किचन यूटेंसिल्स हैं जिन्हें यूज़ करना मैंने बंद कर दिया है। फॉर एग्जांपल नॉनस्टिक एंड एल्यूमिनियम। उसका रीज़न ये है कि ये जो प्रोडक्ट्स हैं वो हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा ख़राब होते हैं, तो इन्हें मैंने रिप्लेस कर दिया है स्टेनलेस स्टील कुकवेयर से। सो ऑलरेडी मैंने कुछ चीज़ें खरीद ली है स्टेनलेस स्टील की, और आगे भी मैं खरीदने वाली हूँ, मेरा कलेक्शन और बड़ा बनाने वाली हूँ मैं। सो मैं एक एक करके मैं रिव्यू आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। और आज के इस वीडियो के अंदर मैं एक ऐसा ही एक प्रोडक्ट रिव्यू करने वाली हूँ। कल ही मुझे डिलीवर हुआ है एक प्रोडक्ट जो है ये मेयर का सॉटे पैन, और अभी मैं इसको बताऊंगी आपको कि ये कैसा है, इसके सारे फीचर्स, मुझे ये कैसा लगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सो अभी मैं यूज़ करने वाली हूँ ये पैन, और देखते हैं कि इसके अंदर खाना चिपकता है कि नहीं चिपकता है। लेट्स चेक दैट आउट। सो इसे फर्स्ट टाइम यूज़ करने से पहले मैंने इसे अच्छे से वॉश कर लिया है, और अब मैं लगाऊंगी तड़का। तो आज मैं बना रही हूँ मूंग ड्राई, एंड इसमें बिल्कुल भी ग्रेवी नहीं रहेगी। सो सबसे पहले मैंने मूंग को बॉईल कर लिया है, और अब मैं लगाऊंगी तड़का। तो आज मैं एकदम सिंपल वाले मूंग बना रही हूँ, सिर्फ गार्लिक का तड़का लगाऊंगी, नो अनियन नो टमाटो। और ये मैं बना रही हूँ वियान और मेरी मम्मी के लिए, तो इसके अंदर जो मिर्ची है वो बहुत ही कम रहेगी। तो ये अभी मैंने डाल दिए हैं मूंग, एंड इसके अंदर मैं बिल्कुल भी ग्रेवी नहीं रखूँगी, कंप्लीट ड्राई बनाऊँगी, ताकि आपको आइडिया आए कि इसके अंदर नीचे चिपकता है या नहीं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि इसके अंदर बिल्कुल भी चिपक नहीं रहा है, और पैन भी बहुत ही जल्दी गर्म हो गया है। जब कभी भी हम थिक बेस वाले यूटेंसिल्स को यूज़ करते हैं तो उसे गर्म होने में टाइम लगता है, बट इसे गर्म होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगा। सो इसे मैंने कवर करके थोड़ी देर रख दिया है, एंड थोड़ी देर बाद जब मैंने ओपन किया तो इसके अंदर बिल्कुल भी स्टिक नहीं हुआ है खाना नीचे, और बहुत ही अच्छे से और जल्दी कुक हो गया है मेरा खाना। तो जैसे कि आपने कढ़ाई देखी, कढ़ाई बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है, वो देखने में ही बहुत अच्छी लग रही है। आप देख सकते हैं यहाँ पर है मिरर पॉलिश स्टेनलेस स्टील, और उस रीज़न से ही इसके अंदर खाना नहीं चिपकता, क्योंकि इसके अंदर बहुत ही अच्छे से पॉलिशिंग की हुई है। नॉर्मली जो स्टेनलेस स्टील जो रहते हैं उनके अंदर हम खाना बनाते हैं तो खाना चिपक जाता है, बट इसमें नहीं चिपकता। साथ ही साथ अगर आप बेस की बात करें तो बेस भी कुछ इस तरह से बना है कि हीट इवनली डिस्ट्रीब्यूट होती है और खाना जल्दी कुक हो जाता है, जबकि इसकी थिकनेस काफ़ी ज़्यादा है, बट बहुत ही अच्छे से गर्म कर देता है ये। और अगर हैंडल की बात करें तो यहाँ पर लगा हुआ है सिलिकॉन, जिस वजह से ये हैंडल गर्म नहीं होता है, और ग्रिपिंग भी अच्छे से बनी रहती है। तो जब कभी भी हम खाना बनाते हैं तो मेनली क्या होता है कि जब ये गर्म हो जाता है पैन पूरा, तो उस वजह से ये पोर्शन भी गर्म हो जाता है, और इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट कि इसे उठा के दूसरे प्लेटफॉर्म पे उसे नीचे उतार सके। तो ये सिलिकॉन की वजह से काफ़ी ईजी हो जाता है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ये बना है निकल फ्री स्टेनलेस स्टील से, जिस वजह से ये कम्प्लीटली सेफ है हमारे हेल्थ के लिए। अभी बात करते हैं हम इसके लिड की। तो लिड बना है एक टफन ग्लास से, एंड उसका जो हैंडल है उसके नीचे भी यहाँ पे सिलिकॉन लगा हुआ है, जिस वजह से ये गर्म नहीं होता है और हम ईजिली इसे उठा सकते हैं कुकिंग के दौरान। और ये ग्लास का बना है, उस वजह से हमें दिखता है अंदर की खाना कुक हो गया है या फिर अभी टाइम है। सो बार बार हमें खोलकर चेक करने की ज़रूरत नहीं, हम डायरेक्टली देख सकते हैं ऊपर से कि खाना हो गया या नहीं हो गया है। तो ये तो हो गई बेसिक चीज़ें, अभी मैं आपको दूसरी भी चीज़ें बताती हूँ इस प्रोडक्ट के बारे में। तो जैसे कि आप बॉक्स पे पढ़ सकते हैं इट्स सूटेबल फॉर हॉब, आप हॉब पे भी यूज़ करते हैं, साथ ही साथ गैस पे भी यूज़ कर सकते हैं। मेटल यूटेंसिल सेफ, मतलब जितने भी नॉनस्टिक रहते हैं उसके अंदर हम मेटल के स्पून यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि उसकी जो लेयर है वो ख़राब हो जाती है, बट इसके अंदर आप इजीली यूज़ कर सकते हैं। इसके जो हैंडल है वो स्टेनलेस स्टील से बने हैं। ओवन सेफ अप टू 180 डिग्री एंड डिशवॉशर सेफ ऑल्सो। तो ये सारे उसके फीचर्स हैं, साथ ही साथ 10 ईयर्स की वारंटी भी है इसके ऊपर। और अगर इसकी साइज़ की बात करें तो इसकी साइज़ है 24 सेंटीमीटर।
सो ये था मेरा आज का वीडियो, आई होप आपको पसंद आया होगा और मुझे तो ये मेयर का पेन बहुत ही ज्यादा पसंद आया है। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको ये पेन कैसा लगा। साथ ही साथ अगर आपको ये प्रोडक्ट खरीदना है तो डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दे दी है, साथ ही साथ मैंने कूपन कोड भी दिया है जिससे आपको 15% ऑफ मिलेगा मेयर की कोई भी प्रोडक्ट के परचेज के ऊपर, तो उस लिंक पर जाकर खरीदना बिल्कुल भी ना भूले। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।